हेलो दोस्तों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्होंने आज़ादी के जंग में भारतीयों को एक किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। भारत में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह इंग्लैंड गए, लेकिन बाद में स्वदेश वापस लौट आए। बाद में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और वहां अप्रवासी अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह किया। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी की जयंती के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानने वाले हैं। साथ ही जाने मोहनदास करमचंद गांधी कैसे देश के राष्ट्रपिता बने और हर भारतीय उन्हें क्यों बापू कहने लगे। स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन किए। इसमें सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह आदि शामिल है। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लड़ाई में अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी ने भारतीय समाज के साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए काम किया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने सच्चाई, संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी। आज़ादी के लड़ाई में गांधी जी ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनके लिए सादगी पूर्ण जीवन ही सौंदर्यता थी। गांधी जी का जीवन एक साधक के रूप में भी मशहूर है। एक धोती में पदयात्रा, आश्रमों में जीवन व्यतीत करने वाले गांधी जी भारतीयों के लिए पिता तुल्य हो गए और लोग उन्हें प्यार से आदर पूर्वक बापू कहकर पुकारने लगे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने का स्रोत पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने का स्रोत पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वे प्रमुख नेता थे। उसके बाद राष्ट्रपिता का उपयोग महात्मा गांधी जी के सम्मान में आमतौर से किया जाने लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।